हाँ तो विवर्द, मैं हूँ आपका न्यू रोस्टर। नहीं जिस ड्रामे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है जान निसार। जान निसार, जान और निसार। कहता हूँ करेला मिर्च प्याज का जूस बनाकर उस बंदे को मुंह से नहीं बल्कि पिछवाड़े से खिलाया जाए जिसने इस ड्रामे का नाम रखा है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल, मतलब कुछ भी, क्योंकि नाम इस ड्रामे का जान निसार है, लेकिन इसमें लेसन जान देने का जाया जा रहा है। देना, ये वाला कुर्बानी वाला देना नहीं है, ये दूसरी देने की बात हो रही है। क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? ड्रामे का आगाज लड़की की डांस से किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तानियों को, आपको तो पता है, अपना पिछवाड़ा हिलाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। चुप कर बे कुत्ते, हिलाने का बहुत ज्यादा शौक होता है। एक और चूतिए सीन को देखें जिसमें इसके वालिद को एक इज्जतदार शख्स पेश किया जाता है जिसके घर में मोबाइल तक नहीं है। इसकी लड़की रोजाना बस पर सफर करके कॉलेज जाती है। अगर वो इज्जतदार होता तो अपनी लड़की को बगैर अकेले बस पर स्कूल कॉलेज जाने देती। हाय हाय, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखा जाए तो ये बहन चोद हमें सबक दे रहे हैं कि पाकिस्तानी बाप अपने बेटियों पर जुल्म करते हैं और इनको घर से बाहर निकलने नहीं देते। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाप। इस ड्रामे से एक बहुत ही अच्छा सबक ये मिलता है कि जब लड़कियों को आजादी दी जाए तो वो सीधा ही चकले वाली जगह पर पहुंच जाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यार कभी आपने ऐसा रियल में देखा है कि एक बाप अपनी बेटी को बगैर कालक या स्याही के घर से बाहर निकाल दे? नहीं यार, ऐसा पाकिस्तानी ड्रामों में होता है। हमको सिखा रही है, होता है, वाकई रियल में होता है। यकीन नहीं आ रहा तो ये जान निसार ड्रामा देख लें खुद। इस ड्रामे की डायरेक्टर को मरीज मेहनत की नहीं बल्कि इस डंडे की जरूरत है, जो पिछवाड़े को मारा नहीं जाता बल्कि उसमें घुसाया जाता है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैं आपको एक अच्छा ही सीन के बारे में बता रहा हूँ, अच्छे ही किरदार के बारे में बता रहा हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। वो किरदार है इस ड्रामे की हीरो। अबे ऐसे खिलौनों की 10 हीरो, रोनाना हम अपने टट्टी से निकालते हैं। ये हीरो है इस ड्रामे का, और ऐसा हीरो नहीं है, बहुत दबदबा वाला हीरो है, दहशत गर्द जैसा हीरो है। ऐसा लगता है कि ये बंदा अपने माँ बाप की जीन से नहीं बल्कि बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप की मजमुए से बना है। मतलब हर ड्रामे में अमीर और लड़ाका है। अमीरी वाली खासियत बिल गेट्स की और लड़ाके वाली खासियत शायद इसको ट्रंप से आया है। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्या सोचकर इसको हर ड्रामे में वही रोल देते हैं जिसकी मिसाल सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को है। इस ड्रामे में इस हीरो का रोल ये है कि वो अपनी भाभी से शादी करता है क्योंकि उसका शुहर वफात पा चुका होता है, और वो शादी से पहले ही अपनी भाभी को खबरदार कर देता है कि वो उसे ठोका नहीं लगाएगी। लेकिन इसकी बात से लड़की मुतमईन नहीं होती और वो अपनी खुजली मिटाने के लिए सिर्फ इसके पीछे पड़ी रहती है। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। एक और सीन लुभा देने वाले है, इसकी की बैक साइड को देखकर उसे मोहब्बत हो गई। ये है पाकिस्तानी ड्रामाज। वाह, मोहब्बत, इश्क, इश्क समझते हैं, जो लैला को मजनू से और हीर को रांझा से हुई थी। वही हो गया इसे, और पीछे से देखकर लड़की डांस कर रही थी, इसने आकर देखा तो उससे इससे मोहब्बत हो। अभी के लिए इतना ही इस ड्रामे के लिए, बाकी इंशाल्लाह आगे किस्त आएंगे और बनाएंगे रोस्ट। तो हमें याद रखना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। नहीं।